पार्टी को मजबूती मिले और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार आपको जीते। देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रही है और एक समय था जो नेताजी ने यहाँ पर लड़ाया था, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी का एक विधायक चुना गया और कई जगह बहुत अच्छे पार्टी के प्रत्याशी लड़े हैं। हमें उम्मीद है कि आज हम पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी जी के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूं। ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में समाजवादियों ने काम किया। जरूरत है समाजवादी विचारधारा की। गरीब, महिलाएं, आदिवासी, अल्पसंख्यक और जितने भी हमारे पिछड़े और अगड़े मिलकर के हैं, बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि केवल मध्य प्रदेश की सरकार नहीं थी उनकी, दिल्ली में भी सरकार रही है। दिल्ली के 10 साल और मध्य प्रदेश की लगातार इतने सालों की सरकार में भी परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है।